पंजाब विच कोरोना दा कहर लगातार वध रहा है। 24 घंटियां विच 258 नवे मामले सामने आए ने। एक दिन अंदर कोरोना कारण 6 लोगों की मौत हुई है ते हुण तक पंजाब विच कोरोना कारण 175 मौतां दर्ज हुईआं ने। पंजाब विच कुल मरीजां दी गिनती वध के 6749 हो चुकी है। सूबे विच एक्टिव केसां दी गिनती 2020 है। तां लगातार जिस तरह दे नाल संकेत मिल रहे ने कि हाले लगातार कोरोना कहर बरकरार रहेगा ते आउण वाला समा होर खतरनाक हो सकदा है। इस विचकार जे अंकड़िया ते गौर करिए ता अंकड़े भी जरूर चिंताजनक ने। जिस तरह दे नाल 258 नवे मामले 24 घंटिया विच सामने आए ने, 6 लोगों की मौत हुई है, तो जरूर ये चिंताजनक अंकड़े आए दिन सामने आ रहे ने। खबर ते होर जानकारी ते लई मेरे नाल तरलोचन जी बन गए ने एक बार मुड़ तो। तरलोचन जी, कोरोना कहर लगातार बरकरार है ते हाले कोई अंत कोरोना दा होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही, जो आए दिन अंकड़े सामने आ रहे ने वो जरूर चिंताजनक ने। बिल्कुल, जैसे दस्या पंजाब विच कोरोना दे अंकड़े लगातार बढ़ रहे ने। जिन्हें 6749 केस हो गए ने और 4553 जिहड़े ने वो डिस्चार्ज किए जा सके ने। जे आप रिकवरी रेट की गल देखिए तो रिकवरी जी क्योर होने की मरीजा की दर जी है वो किसी वेले आप कहते 91% है, पर हमने 70% रह गई है। और दूसरे पास डेथ 175 हुई ने, मौत दर भी पंजाब लगातार बढ़ रही है। आज की डेट से मौत दर बढ़ के 2.69 हो गई है। अगली जी खतरे की घंटी खड़ी है पंजाब के सिर से वो है कि पंजाब जे कोरोना मरीज 38 जे मरीज ने वो ऑक्सीजन पे ने और वेंटीलेटर पे 6 मरीज ने, भाव 44 मरीज जे ने उन्हों की हालत बड़ी नाजुक बनी है। और जी अगली गल तुम दस है 24 घंटे जी जिसे 258 नवे केस आए ने, उत्थे 24 घंटे जी पहलों वड्डी गिनती से डिस्चार्ज होंगे केयर होंगे पेशेंट, पर जे आप कल की गल करिए सिर्फ 60 पेशेंट जिहड़े ने उन्होंने हस्पतालों तो छुट्टी मिली है। जे आप जिले वाल जाइए तो जिले 5 जिले की स्थिति जी है वो बड़ी नाजुक बनी हुई है। लुधियाना जिहड़ा है पहलों अमृतसर से, पर हुण लुधियाना इस तूफान च नंबर 1 पे आ गया। लुधियाने से 1182 केस ने पॉजिटिव से 80 मौत हो गई ने। और इस तरह लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, संगरूर, पटियाला जे 5 जिले की गल करिए 4827 केस सिर्फ इन्हां जिलों के ने, जिहदा अर्थ यह है कि कुल 6749 विचों 61% केस इन्हां 5 जिलों के ने। और शुरुआती जे आप मौतों की गल करिए 124 मौत इन्हां सिर्फ 5 जिलों च ने, भाव 48% जिहड़े ने 5 जिलों च मौत, 71% जिहड़ियां ने इस 5 जिलों च मौत हुई ने। सो स्थिति नाजुक है। पंजाब सरकार ने 7 कंटेनमेंट जोन भी जिहड़े डिक्लेयर किए ने कल, उहदे च लुधियाने ते जलंधर च 2-2, संगरूर ते गुरदासपुर ते मोहाली च 1-1। सो स्थिति बड़ी नाजुक बनी पई है। इहदे ते अज कैबिनेट की फैसला लऊगी बिल्कुल। तरलोचन जी, जिस तरह दे नाल सख्ती समय समय से सूबा सरकार वालों वरती जा रही है, ये अक्सर असी देखिए कि सब तो पहला पंजाब दे विच ही कर्फ्यू की शुरुआत हुई सी, जब शुरुआत हुई सी कोरोना कहर की, उस तो बाद वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है, कंटेनमेंट जोन दे विच भी सख्ती वरती जा रही है, पर फिर भी अंकड़े सामने आ रहे हैं। इस विचकार लोगों की भी यह जिम्मेवारी बनती है कि सरकार ते प्रशासन नूं पूरा सहयोग देन ते जे ओह घरों बाहर निकलते हैं तो पूरा एहतियात वरत। जे आप कोरोना के एनालिसिस करिए मोटे तौर पर 6749 विचों टोटल जे केस ने वो हैल्थ विभाग की स्टडी मुताबिक 30% केस जे इदा के व्यक्ति इदा के ने जे होर स्टेट या होर देश चो आए ने, और जे 30% ये ने, और जी लाग लगी सारी पंजाब सरकार के अंकड़े स्टडी ये कहती है कि जे अदर स्टेट अदर देशों तो आए ने, यह उन्हां कारण ही सारा प्रक्रिया प्रकोप चल रहा। जी तुम सख्ती की गल की इसे करके ई रजिस्टर करवाया जा रहा, ये जानकारी मिली थी कि लोग जो होर स्टेटा तो आते हैं खास करके, क्योंकि जो कोई होर देश तो आता से एयरपोर्ट से पासपोर्ट रख लिया जाता वो कितने जा नहीं सकता, पर अदर स्टेट तो आने वाले जोड़े लोग अपने आप को एकांतवास नहीं थे रखते, जिसे करके वो बाजार च गलिया होर पब्लिक प्लेस से जाने ये प्रकोप बढ़ रहा है। सो उन्होंने मुख रखते हम ई रजिस्टर करके हरेक जिले के जोड़े अदर स्टेट तो आए लोग ने उन्हों सूचिया मन दिया और उन्होंने सख्ती अपने घर एकांतवास करने का यतन किया जाऊगा। सो यह प्रक्रिया चल रही है कि घट्टो घट्ट जोड़े अदर स्टेट तो आते हैं जिसे करके प्रकोप बढ़ रहा,
उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए कि घट्टो घट 14 दिन उन्होंने वखरिया एकांतवास रखा जाए। बिल्कुल, सरकार की यही कोशिश है क्योंकि कोरोना कहर हाले लगातार बरकरार रहेगा लोगों की जिंदगी दे विच, ते लोगों नूं भी हुण समझना होगा तो जो हालात बने हुए ने उन्हां दे नाल नजिठण दे लई पुख्ता सुरक्षा कदम चुकने लोगों की भी जिम्मेवारी है। धन्नवाद तमाम गलबात लई।